खाना ये कद्दू की सब्जी और ये पराठे और ये बूंदी का लौकी का रायता, इसमें लौकी भी पड़ी हुई है। तो इस तरह से हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं और सबने खा लिया, मैं रह गई हूँ। आप लोग भी आ जाइए, किस किस को पसंद है कद्दू की सब्जी पराठे के साथ में, ये देखिए। इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मैं जा रही थी तैयार होने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर लेट गई थी काम करके। और ये देखिए इस तरह से इसके डिजाइन। और आजकल तो हमारा ऑनलाइन से ही काम चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड तो पता नहीं कब छुट्टी आएंगे, तब मतलब लूँगी मैं कुछ भी मार्केट से। और मैं थोड़ी देर लेट गई थी सारा काम करके, और सुबह मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी तो मुझे बहुत थकावट हो गई, तो मैं लेट गई थी। और मेरे अभी ये निकलना है, मैंने थोड़ा बादाम खा लिया था, पता नहीं क्यों मेरे बहुत जल्दी हो जाता है। ये हो गया है, मैंने अभी जो ड्राई फ्रूट्स का वो बनाया था पाक वगैरह, तो वो थोड़ा खा लिया था, उस वजह से मेरे हो गया। कुछ बादाम मैंने खा लिए थे। तो इस तरह से हमारी मैक्सी आ गई है, बहुत अच्छी लग रही है। पर मुझे ये कलर लिया मैंने, क्योंकि मैंने ऐसे कलर बहुत कम पहनती हूँ, तो मैंने सोचा एक बार मंगा के देख लेती हूँ कैसा लगेगा मेरे पे। अब मैं किसी दिन पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, तैयार हो गई। अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल में तैयार होने के लिए। मैं तैयार हो गई हूँ, अभी मैंने बाल वगैरह बांध लिए हैं फिलहाल में। और ये देखिए चोटी कितनी पतली हो गई, क्योंकि मेरे सारे बाल गिर गए हैं, बहुत टूट रहे हैं बाल पता नहीं क्यों। और आज आ गया एक ऑर्डर, और मैंने मंगाई थी मैक्सी नाइट में पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पास मैक्सी अभी थी नहीं ज़्यादा। और मैंने पिछली बार आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने ली नहीं थी, तो उनको गए हुए 4-5 महीने हो गए। और अभी छुट्टी फ़िलहाल में मिलने वाली है, लेकिन कोई पता नहीं है कब मिलेगी। इधर उनका प्रमोशन शुरू होने वाला है, और मैं मुझे इस बात का डर था कि डर है अभी भी कि इतने दिनों से वेट कर रही थी, इसलिए 5 महीने से छुट्टी नहीं आए हैं, ताकि दीपावली मिल जाएगी, करवा चौथ मिल जाएगी। और करवा चौथ तो कम से कम 3 साल से ज़्यादा हो गए, तीन साल हो गए तब से मेरे हस्बैंड नहीं आए। ये मोबाइल दिया था उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था, जब वो करवा चौथ पे आए थे उस साल। और जो जितनी जैसे 3 बार आए, 2 बार इन 3 बार आए अभी तक 12 सालों में, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है हर बार जब आए तब। मैं कभी उनसे कहती नहीं हूँ कि मुझे गिफ्ट चाहिए, हालांकि वो आ जाएँ इतना ही बहुत है, मुझे तभी बहुत खुशी होती है। लेकिन अभी इस बार आने को हैं, तो बोल रहे थे कि मैं करवा चौथ से नहीं आ पाऊँगा, और ऐसा सुना जा रहा है कि कुछ काम है वहाँ पे, तो इसलिए ज़रूरी काम है। और उनके इधर पैरा कमांडो हैं, तो उनकी वो भी होती है जंपिंग वगैरह, और बहुत काम होते हैं उनको, दोबारा दोबारा ट्रेनिंग जैसे सिखाया जाता है ताकि हम हैबिट बनी रहे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता सकती, आप लोग समझ सकते हो, आर्मी वालों का अपने जो कुछ भी है मैं नहीं बताती ज़्यादा सोशल मीडिया पर। तो इसलिए कह रहे थे कि अभी मेरे को फिर काम होगा, तो मैं दिसंबर में दोबारा से हो सकता है मैं छुट्टी आ जाऊँ। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि आप अभी चले जाओ, छुट्टी इस साल की काटी नहीं है, 28 दिन की छुट्टी काटी थी, तो उनकी 2 महीने की छुट्टी बची हुई है अभी फ़िलहाल में। तो बहुत ज़्यादा उनका पहले लिस्ट में ही नाम, मतलब पहले नंबर पर नाम है छुट्टी का लिस्ट में। तो कह रहे थे कि बहुत, मतलब 2-3 बार उन्होंने छुट्टी कैंसिल करवा दी इसी चक्कर में, कि मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो अक्टूबर नवंबर में एसी का जन्मदिन होता है एसी का, तो और दूसरी एसी का पहला जन्मदिन नहीं मना पाए थे हम, क्योंकि हमारा भाई बीमार था, तो हम दूसरा जन्मदिन मनाया नहीं था। सब लोग बोल रहे थे कि दूसरा जन्मदिन नहीं मनाते हैं, क्योंकि अगर पहला नहीं मनाया ऐसा बोलते हैं कि केक नहीं काटते हैं दूसरे में। तो मैं देखती हूँ, इस बार सोच रहे थे कि जन्मदिन मना लेते हैं, और फिर 15 तारीख का एसी का है, और फिर प्रिंस का है 20 तारीख का, तो इसलिए बोल रहे थे कि वो मिल जाता, इसलिए छुट्टी कैंसिल करवा दी 2 बार। तो अब सुनने में आया कि हम नहीं आ पाएंगे, तो मुझे इतना अंदर से बुरा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे पता चला कल परसों, तो मैं इतना परसों से इतना उदास हूँ कि मेरा मन नहीं करता वीडियो डालने का ना, वीडियो बनाने का, बस शॉर्ट वीडियो ऐसे अपलोड कर देती हूँ बना के, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल। ब्लॉग वगैरह तो मैंने बहुत दिनों से अच्छे से डाले नहीं है, क्योंकि व्यू इतने कम आते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा मूड खराब होता है मुझे। 3 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते करते, अभी तक कोई वीडियो मेरी 1000 तक नहीं गई है, 500 तक नहीं गई, 1000 तो छोड़ो,
तो उस वजह से मेरा इतना मूड ख़राब हो जाता है। पहले तो बच्चों को देखो, घर का काम बहुत काम हो जाता है, जो लेडीज हैं वो समझ सकती हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है। अगर आप बहुत कम काम करोगे ना तब भी बहुत हो जाता है, ऐसा सोच लो। फिर मुझे इतनी सारी टेंशन भी रहती है और मैं वीडियो भी बहुत फ्रेंड्स भी बंद हो गया था क्योंकि मेमोरी भर गई इसकी, और ब्लॉग मेरे बहुत डालने को पड़े पर मैंने डाले नहीं थे क्योंकि व्यू इतने कम आ रहे थे तो मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आप लोगों से कि तीसरा जन्मदिन मना सकते हैं क्या, केक काट सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताना जिसको भी पता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो मैं कर रही थी, हाँ इनके बारे में बात कर रही थी, तो इनको अब देखते हैं छुट्टी कब मिलती है। फुल हो जाती है बार बार, तो मैं बता रही थी इनके। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके साथ वाले ना बहुत ज़्यादा जैसे मजाक करते हैं आपस में ये लोग, तो साथ वाले बोल रहे थे कि भाभी से बोलो ना गिफ्ट हम पहले ही दिला देंगे, पहले आ जाएंगे तो क्या करवा चौथ से, तो गिफ्ट पहले ही दिला देंगे, गिफ्ट की तो बात है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, इनको बताओ कि मेरी बीवी ने कभी गिफ्ट नहीं मांगा है, शादी को 12 साल हो गए, 12 सालों में मेरी बीवी ने कभी मुझसे गिफ्ट नहीं मांगा। तो हंस रहे थे कि ये लोग बोल रहे हैं कि भाभी को बता दो कि हम पहले ही गिफ्ट दिला देंगे, अगर गिफ्ट लेना है तो। उसने अपनी बीवी को 1 लाख का पता हार बता रहे थे जिनकी अब वो गिफ्ट किया है, 1 लाख रुपया दिए हैं अपनी बीवी को गिफ्ट के लिए। तो मैंने कहा लेती होंगी सबकी बीवी गिफ्ट, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं गिफ्ट नहीं मांगती। इनको बताओ ना कि मैं गिफ्ट नहीं मांगती कभी भी, मैंने नहीं लिया है कभी गिफ्ट, और जो कुछ भी दिया है इन्होंने अपने मन से दिया है। तो फ्रेंड्स बताते हैं अगले ब्लॉग में कि कैसा क्या होता है। थैंक यू, बाय बाय।